मिथुन राशि वालों जय महाकाल। महाकाल आपकी रक्षा करे, महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो। मिथुन राशि वालों आज 1 मई रविवार का दिन, आयुष्मान योग, भरणी नक्षत्र, मंगल और शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, शनि चंद्रमा, बृहस्पति की दृष्टि। आज आपके लिए समय शुभ है, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में मंगल शनि का गोचर है, कर्म स्थान में बृहस्पति और शुक्र का गोचर। आपकी कुंडली के लाभ स्थान में राहु सूर्य और चंद्रमा का गोचर, पंचम भाव में केतु का गोचर, भरणी नक्षत्र का शुक्र शुभ स्थिति का निर्माण आपके कर्म को आगे बढ़ा रहा है। अपने कर्म से आज आप जीवन का सुख और धन की प्राप्ति करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली के कर्म स्थान में शुक्र का गोचर भरणी नक्षत्र में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आज आप ज़्यादा धन कमाएंगे, जीवन में ज़्यादा सुख पाएंगे, हर मामले में आप भाग्यशाली होंगे क्योंकि समय सफलता के लिए शुभ है। समय उन्नति, तरक्की, सौभाग्य लेकर आपके जीवन में समृद्धि और सुख दे रहा है। आप चतुर हैं, शुक्र के कारण जीवन में सुख ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, वहीं मंगल आपके हर कदम तरक्की के तरफ आगे बढ़ेंगे। मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में शनि के साथ है, आपके काम की गति तेज होगी, सफलता की ऊंचाई को आप प्राप्त करेंगे। भरणी नक्षत्र में अपने परिवार से ज्यादा प्यार करेंगे, आपके जीवन में धन भी बढ़ेगा, सुख भी मिलेगा, तरक्की भी आपको प्राप्त होगी क्योंकि आज भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा है। शुक्र आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बैठा है, वहीं बृहस्पति जो कर्म स्थान में शुक्र के साथ बैठा है, आपके जीवन में उत्साह उमंग को बढ़ाएगा। सुख संपत्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, आपके जीवन की बाधा दूर होगी और आपके जीवन में तरक्की, समृद्धि, लाभ का योग होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, कार्य सिद्धि होगा, खुशियों का माहौल होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बाधा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आज का उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। मिथुन राशि वालों विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 1 मई रविवार का दिन, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, आयुष्मान योग, भरणी नक्षत्र, मंगल शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, शनि चंद्रमा, बृहस्पति की दृष्टि। आपकी कुंडली के कर्म स्थान में जो बृहस्पति और शुक्र है वही तो आपको कर्म योगी बना रहा है। भाग्य में मंगल और शनि का गोचर है, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि मंगल आपके अंदर साहस देता है, हिम्मत देता है और लाभ स्थान में जो राहु बैठा है अचानक से सफलता, कामयाबी की खुशी देता है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में लाभ का योग है, तरक्की उन्नति आप प्राप्त करेंगे, सुखद परिणाम, आपके जीवन में शुभ स्थिति, भाग्य को और भी ज्यादा सुंदर बनाएगा। जो स्टूडेंट हैं, अपने जीवन में आप ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने काम पर लग जाएं क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता जब कर्म स्थान में बृहस्पति और शुक्र हो, भाग्य में मंगल शनि हो, लाभ स्थान में राहु का गोचर हो तो अचानक आपके मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में बड़ा लाभ का योग है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, अपने काम पर फोकस रखें, तभी आपके जीवन में सुखद परिणाम भी मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा क्योंकि राहु जो लाभ स्थान में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, राहु जो भी करता है अचानक करता है, पंचम भाव का केतु आपको सद्बुद्धि देगा, वहीं भाग्य में बैठा शनि मंगल भाग्य को प्रबल बनाएगा और कर्म स्थान में बैठा बृहस्पति शुक्र रोजगार का सुंदर योग बनाएगा। आज आपके लव लाइफ में खुशियां भी है, प्यार भी है, आपको चाहने वाले आपसे ज्यादा प्यार करेंगे,
विश्वास भी आज बढ़ेगा, सुख शांति भी बनेगी, यानी आपके परिवार में खुशियों का माहौल होगा। जो नौकरी करते हैं, कोई ऐसा काम आप अवश्य करेंगे जिससे आपको उपलब्धि भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और धन भी कमाएंगे। और जो व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस पर पूरा तरीका से फोकस करते रहें, क्योंकि कर्म स्थान में जो बृहस्पति है और शनि जो भाग्य में है, राहु जो लाभ में है, अचानक आपके जीवन में बड़ा सुख देगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपके जीवन में कष्ट है, धन की समस्या है, तो आज आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव है, भरणी नक्षत्र है। आज आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, हल्दी की गांठ पीली कपड़े में बांधकर अपने दुकान में रखें, आपको अवश्य लाभ होगा, धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाएं, आपके घर में शुभ ऊर्जा आएगी, भाग्य भी बदलेगा, खुशी भी बढ़ेगी, धन की प्राप्ति भी होगी। महाकाल का दर्शन करें, महादेव की पूजा करें, आपका जीवन सुखी होगा, आपके जीवन में तरक्की होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय।